ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इन सब के बीच एक अच्छी खबर भी है। खबर ये कि यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गांव में बंटने वाले पुष्टाहार के बनाने का काम गांव की ही महिलाएं करेंगी और इसके लिए महिला समूह बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम, गांव की महिलाओं को मिला रोजगार। पुष्टाहार निर्माण और वितरण का काम यूपी सरकार की अहम पहल। यूपी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिसे गांव में रहते हुए ही महिलाएं काम कर सके और साथ ही समाज को सशक्त भी बना सके। दरअसल सरकार की पुष्टाहार योजना चलती है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पुष्टाहार बांटा जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने पुष्टाहार बनाने की जिम्मेदारी खुद महिलाओं को दे दी है, जिससे महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं कि घर में कामकाज के साथ ही उनको रोजगार मिल गया है। दरअसल यूपी सरकार ने महिलाओं के समूह बनाकर पुष्टाहार के निर्माण और वितरण की जिम्मेदारी दी है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल गया है। तो वहीं गांव-गांव तक हर एक घर, हर एक महिला तक पुष्टाहार पहुंच रहा है और योजना के विस्तार के लिए इस योजना से जुड़े अधिकारी गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और कैसे इस पुष्टाहार योजना से जुड़ना है बता रहे हैं। ऐसा एक महिलाओं का समूह गुंडा में भी बना है, जहाँ बच्चों और महिलाओं तक पुष्टाहार पहुँचाने की जिम्मेदारी एक समूह पर है और उसकी मुखिया बनाई गई है रुखसार, जिनकी अगुवाई में पुष्टाहार बनेगा भी और महिलाओं और बच्चों में बटेगा भी। जी हाँ, ये रुखसार है जो भारत महिला समूह की अध्यक्ष बनाई गई है। इस योजना को लेकर रुखसार बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि 10 महिलाओं का समूह बनाया गया है, जिसमें पुष्टाहार बनाना और वितरण करना है। इसके साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर की है कि हम खुद अपने बच्चों के लिए पुष्टाहार बना रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को सभी मिनरल्स मिलेंगे। ये अच्छा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारी महिलाओं के लिए अच्छा है। और जो काम करेंगे उसमें हम अपने घर को खर्चे चला सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, सिलाई का काम करेंगे, हार बनाएंगे। रुखसार इस भारत महिला समूह की अध्यक्ष है और इनके साथ ही इसी समूह की 10 महिलाएं कांधे से कांधा मिलाकर पुष्टाहार बनाने और वितरण का काम करेंगी, जिसको लेकर गांव की महिलाएं बेहद खुश हैं और उत्साहित नजर आ रही हैं। उनका कहना है इससे उनको घर बैठे रोजगार मिल गया है और इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी कहा। ये पुष्टाहार की जो योजनाएं है, ये बहुत अच्छा योजना है और इससे हम गरीब महिलाओं को बहुत सारा लाभ हो सकता है। कैसे इसको क्या करना है, कैसे वितरण करना है? सर, जो पुष्टाहार आएंगे उसको हम लोग तैयार करेंगे और बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में हम लोगों को इसे वितरण करना है। जो पैसा मिलेगा उसको क्या करेंगे? सर, जो पैसे मिलेंगे उसे हम अपनी महिलाओं में जो हैं सदस्य हमारी कमेटी में, उनमें हम बांट लेंगे। वहीं भारत महिला समूह से जुड़ी महिलाओं को योजना की जानकारी देने पहुंचे अधिकारियों ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि विकास खंड स्तर पर इस योजना को उतारा गया है, जिसमें महिलाओं का एक समूह बनेगा और वो समूह पुष्टाहार बनाता है और गाँव की गर्भवती महिलाओं और बच्चों में बांटेगा। इसके साथ ही गाँव की महिलाओं को जागरूक भी करना है। गरीब महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सरकार की जो योजना चल रही है, उसको गांवों तक हम लोग पहुँचाते हैं और समूह के माध्यम से गरीबी दूर करने के लिए, उनको आजीविका से जोड़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस पर काम करते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ जो चल रही हैं उसको गाँव में लागू करने के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। अभी एक बहुत अच्छी योजना सरकार लागू करने जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर महिलाएँ जो काम करती हैं उनको गुणवत्तापूर्वक पुष्टाहार देने के लिए सरकार ने जो योजना लागू की है। हमने बहुत सारे महिला स्वयं सहायता समूह को तैयार किया है
और वो लोग महिलाएं तैयार हैं उसको तैयार करने में, बनाने के लिए, और जैसे लागू होगा हमारी महिलाएं उसमें काम करेंगी। फिलहाल सरकार की इस योजना से 2 लाख होने जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। जहां एक तरफ महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिलने जा रहा है, तो वहीं जो महिला सशक्तिकरण में एक मजबूत कदम है, तो वहीं दूसरी तरफ गुणवत्तापूर्ण पुष्टाहार भी महिलाओं को मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।